नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अक्सर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है और इस्लाम धर्म के अंदर जो चीज़ें फॉलो की जाती है एक्चुअली में वो पूरी तरह से साइंटिफिक होती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को तो दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से सच है कि कुल मिलाकर के इस्लाम धर्म सनातन धर्म का पूरी तरह से अपोजिट या यूं कहें कि उल्टा है। अगर इसे बारीकी से समझा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस्लाम धर्म सनातन धर्म के बिल्कुल अपोजिट है। नंबर एक, दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा होती है, जबकि इस्लाम धर्म इसका बिल्कुल विपरीत है। वो हमेशा से ही मूर्ति पूजा का विरोधी माना जाता है। नंबर दो, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर पूर्व दिशा को महत्व दिया जाता है, तो वहीं पर इस्लाम धर्म के अंदर पश्चिम दिशा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर तीन, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर सूर्य पूजा का अपना ही विशेष महत्व है, तो वहीं पर मुस्लिम लोग चांद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। नंबर चार, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदू लोग राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, तो वहीं पर मुस्लिम लोग हमेशा से ही अपने धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। उनके लिए राष्ट्र कोई भी मायने नहीं रखता, वो हमेशा से ही अपने धर्म को प्रायोरिटी देते हैं। नंबर पाँच, हिंदू धर्म के लोग कभी भी सगे संबंधियों के अंदर शादी विवाह नहीं करते, जबकि मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा सगे संबंधियों में ही विवाह को प्राथमिकता देते हैं। नंबर छः, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जितने भी तीज त्यौहार है वह सभी खुशियाँ और उल्लास देने वाले हैं, तो वहीं पर मुस्लिम धर्म के अंदर जितने भी तीज त्यौहार है उनमें से ज़्यादातर दुख और तकलीफ देने वाले हैं। दोस्तों, ये तो कुछ छोटी छोटी ऐसी बारीकियां थी जो कि सनातन धर्म के विपरीत इस्लाम धर्म के अंदर मानी जाती है। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सनातन धर्म के अंदर की जाती है और इस्लाम धर्म के अंदर उसके विपरीत तो किया जाता है। आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर इस बात को कहा जाता है कि ईश्वर का निवास इस सृष्टि के कण कण में है। हिंदू धर्म के अंदर कण कण को शंकर माना जाता है, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर इसके विपरीत चीज़ों को फॉलो किया जाता है। वो सृष्टि पर रहने वाली किसी भी चीज़ के अंदर ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहते हैं कि इस दुनिया का मालिक सिर्फ अल्लाह है, जबकि इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते कि अल्लाह अगर इस दुनिया का मालिक है तो अल्लाह का वास या यूं कहें कि उसका रूप सृष्टि के हर चीज़ में होगा, लेकिन इस्लाम धर्म के अंदर इसे बिल्कुल भी नहीं माना जाता। जहाँ पर हिंदू धर्म के अंतर्गत करुणा है, त्याग है, प्यार है, परोपकार है, तो वहीं पर इस्लाम धर्म के अंदर ना ही तो करुणा है, ना ही त्याग है और ना ही प्यार है, और परोपकार तो दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस्लाम धर्म सनातन धर्म का पूरी तरह से अपोजिट या यूं कहें कि उल्टा है। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।